हेलो फ्रेंड, दिस इज नागिन कुमार एंड यू वाचिंग नागिन द वीलॉग्स। आप सभी के सामने मैं एक बार और आ गया हूँ हमारे नए वीडियो में, और आप सभी को आज मैं एरोबिक्स के ऐसे कई सारे स्टेप बताऊंगा जिसके थ्रू आप घर बैठे ही अपने 10 से 15 किलो वेट कम कर सकते हैं। तो सब चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला स्टेप होता है दोनों लेग को ज्वाइंट करके अपने, ये देख सकते हैं आप, ये धीरे धीरे बॉडी डाउन करना है, इसको पैरों को धीरे धीरे हिलाना है, फिर अप करना है, फिर डाउन करना है, फिर अप करना है। इस स्टेप को कम से कम आपको रोज से 10 बार से 15 बार करने हैं दोस्तों। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा दोनों हाथों को ये सामने रखना है और ये धीरे धीरे इसको भी मूव करना है। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, इस स्टेप को भी रोज से 10 स्टेप को भी आप रोज 10 से 15 बार आप यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद तीसरा स्टेप आता है दोस्तों, दोनों लेग को ये आप इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसको लेग अप करके ऊपर नीचे की ओर करना है, फिर इसको राइट से लेफ्ट की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर, इसको आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कर सकते हैं दोस्तों। सेम स्टेप लेफ्ट साइड भी करना है दोस्तों, वही स्टेप होगा, शेक फिर अप डाउन अप डाउन, फिर राउंड, फिर ऑपोजिट राउंड। देन इसके बाद हमारे चौथे स्टेप की ओर चलते हैं दोस्तों, जो सर का स्टेप है वो इस तरीके से राउंड होगा, धीरे धीरे करना है इसको, फिर ऑपोजिट साइड्स पे करना है स्टेप को भी 10 से 15 बार, फिर राइट और लेफ्ट की ओर देखना है दोस्तों, फिर ऊपर से नीचे की ओर देखना, इसमें कोई बॉडी पार्ट यूज नहीं होता है, केवल सर। उसके बाद कमर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बॉडी धीरे धीरे डाउन करना है राइट से लेफ्ट की ओर, इसमें ब्लैक का कोई यूज नहीं है दोस्तों, वो एक ही जगह पे ही टिका रहेगा। देन जैसे आए थे वैसे ही ऑपोजिट साइड पे भी करना है हमको, अगर हम 10 बार राइट साइड पे किए हैं तो 10 बार लेफ्ट साइड पे भी करेंगे दोस्तों। देन इसके बाद हमको पहले क्या करना है, अपने लेफ्ट साइड डाउन करना है, फिर राइट साइड डाउन करना है, और हाथ हमारा कमर पे रहेगा, इसको भी 10 से 15 बार हम रोज करेंगे। फिर देन उसके बाद सामने की ओर डाउन करना है, फिर पीछे की ओर, इस स्टेप को भी 10 से 15 बार हमको रोजाना करने हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दोनों लेग को ज्वाइंट करके धीरे धीरे डाउन करना है। नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये पैर का स्टेप है, इसमें आप देख सकते हैं धीरे धीरे सामने की ओर झुकना है, फिर राउंड करना है राइट से लेफ्ट की ओर, फिर लेफ्ट से राइट की ओर, दोनों साइड करना है हमको दोस्तों, फिर दोनों लेग एक साथ जो राउंड होगा, फिर पीछे से सामने की ओर, आप सभी देख ही सकते हैं आप, फिर दोनों लेग ज्वाइंट करके इस तरीके से ये लेफ्ट से राइट हमको नी डाउन करना है। देन इसके बाद उसी लेग को अप करना है दोस्तों, और इसके साथ साथ हैंड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे वीडियो अपना दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है दोस्तों, हमको दोनों हाथों को सामने रखना है और ये धीरे धीरे बॉडी डाउन और अप करना है दोस्तों, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे दोनों हाथ को सामने रखना है, बिल्कुल सामने, फेस भी सीधा रहेगा। देन उसी में हमको क्या करना है, ये नी राइट और लेफ्ट साइड की ओर धीरे धीरे डाउन बैंड करना है दोस्तों, धीरे धीरे बैंड करना है, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे, फिर दोनों हाथों को ज्वाइन करना है और अपने लेफ्ट साइड, ये आप देख सकते हैं धीरे से इसको नीचे से ऊपर की ओर आना है और सामने की ओर डाउन करना है, हाथ को पीछे करना है दोस्तों, सेम प्रोसेस राइट साइड पे भी होगा, सेम वैसे ही झुकेंगे और ऐसा उस स्टेप को करना है हमको, ये सारा स्टेप लोगों को, ये सारा स्टेप हमको दोस्तों 10 से 15 बार रोज करना है। देन इसके बाद अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं, और ये हाथ का स्टेप है दोस्तों, ये हाथ को राउंड करना है और इसके साथ साथ हम लोग लेग भी यूज करेंगे, इसमें एक पर्टिकुलर एक म्यूजिक ले लीजिए आप कोई सा भी, और उसमें ये फिर ऐसा स्टेप इसको कर सकते हैं, और इसको देख सकते हैं आप, मैंने हाथ को ऊपर किया है फिर नीचे किया है, तो ये 10 बार सामने, 10 बार ऊपर, 10 बार साइड। देन उसके बाद दोनों हाथों को राउंड करना है दोस्तों, सामने से पीछे की ओर,
फिर पीछे की सामने को, फिर पीछे से सामने की ओर, सभी देख सकते हैं दोस्तों। देन इसके बाद क्या करना है, दोनों हाथों को सामने रखना है, लेग साइड देख सकते हैं, और ये हाथ के साथ लेग भी मूव हो गई, ये स्टेप, ये देखिए दोस्तों, ये स्टेप हम रोज कर सकते हैं 10-15 बार। इसके बाद इसमें हाथ में आप देख सकते हैं ऐसा सामने रख के लेग और हैंड दोनों को एक साथ यूज करना है, डांसिंग स्टेप जैसा है ये, और ये आप देख सकते हैं किसी भी म्यूजिक पे आप लगा के ये स्टेप कर सकते हैं। दोनों हाथों को खोल दीजिए दोस्तों, और सेम जो लेग यूज कर रहे थे अभी तक वही लेग यूज करना है, और ये हैंड के साथ ये हैंड खुल जाएगा। लेग मूवमेंट वही होता है दोस्तों, अधिकतर हैंड मूवमेंट बदलते रहते हैं। आप सभी देखो इसमें हाथ को, दोनों हाथों को ऊपर करिए, और 2 टाइम हमको राइट साइड जाना है, फिर लेफ्ट साइड जाना है, हैंड को ऊपर नीचे करते हुए स्टेप को भी 10-15 बार करना है। देन उसके बाद पीछे चलते हैं दोस्तों, राइट लेग, लेफ्ट लेग, राइट लेग, हैंड और लेग अप, ये आप देख सकते हैं। फिर जैसे आए थे हम लोग को पीछे जाना है दोस्तों, वैसे ही पीछे जाना है। देन इसी को रिपीट करना है, 1, 2, 3, 4, आप देख सकते हैं दोस्तों, इस स्टेप को भी 10-15 बार करना है। देन उसके बाद हमको क्या करना है, दोनों हाथों को खोल के ये पीटी में जैसे करते हैं हम लोग, वैसे ही इसको भी, ये स्टेप को भी यूज करना है दोस्तों। ये वही लेग मूवमेंट यूज कर रहा हूँ मैं जो अभी तक शुरू से कर रहा था। देन इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं दोनों हाथों को ये ऐसा राउंड करना है, और वही लेग मूवमेंट यूज करना है दोस्तों जो शुरू में मैं आपको बताया था। ये ऊपर से नीचे की ओर जाना है, फिर इसमें हैंड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे की ओर, और लेग मूवमेंट, फिर अगेन वही लेग मूवमेंट हमको यूज करना है दोस्तों। ये स्टेप म्यूजिक में करने से काफी मजा आता है, काफी अच्छा है। और देन इसके बाद चलते हैं और इसी स्टेप को कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी लेग में हमको एक और स्टेप मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ, स्टेप को भी आप दोनों हाथों को दो बार राइट और लेफ्ट की ओर ऊपर नीचे करना है। देन इसके बाद आता है दोस्तों आपका ये स्टेप, लेग ऊपर करना है और हैंड को नीचे करना है, 1, 2, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। इस स्टेप को भी 10-15 बार आपको रोजाना करने हैं, और ऐसे ही आप सभी के लिए मैं वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और मैं ऐसे ही बहुत सारे स्टेप बताऊंगा दोस्तों। तो तब तक दोस्तों आप सभी इतने स्टेप करिए, इस हफ्ते आप इतने स्टेप करिए, फिर नेक्स्ट हफ्ते आपको फिर से मैं मिलूंगा और फिर से नए नए स्टेप बताऊंगा जो हमारे फिटनेस के लिए जरूरी है, और रोज उसको करिए दोस्तों। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को हो सके तो जितना से जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए दोस्तों, ताकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही नए नए वीडियो एरोबिक्स डांस के थ्रू आप लोगों के सामने मैं वीडियो लाता रहूँ।